मामला जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम नगला भगवंत सराय शेख का है, जहां पर मंगलवार की सुबह एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर एसपी देहात, क्षेत्राधिकारी सिरसागंज, एसओजी सहित डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मृतक अधेड़ के शव की पहचान सुभाष पुत्र साहब निवासी सूरज नगर चित्रहाट आगरा के रूप में हुई। वहीं बताया जाता है कि मृतक अधेड़ अपनी बहन के यहां ग्राम चंद हंस की मड़िया थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद के यहां पर रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। थाना सिरसागंज के नगला भगवंत में एक गाँव के पीछे साइड में खेतों की तरफ, जहाँ पर एक ईंट भट्ठा भी है, उस साइड में एक नाला है। नाले में थोड़ा सा पानी है, उसी में एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर धारदार हथियार के चोट के निशान हैं। उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें से एक आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर इसकी पहचान सुभाष पुत्र साहब सिंह निवासी सूरज नगर चित्रहाट जनपद आगरा के रूप में हुई है। और इनके पॉकेट से एक और कार्ड मिला है, जिसमें एक नंबर और मिला है जो उनके घर का नंबर लिखा हुआ है। थाना चित्रहार को खबर कर दी गई है, फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड और सभी लोग आ गए हैं। आवश्यक कार्रवाई इसमें नियमानुसार की जा रही है।